हाय फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आम का मुरब्बा। ये मुरब्बा बहुत ही टेस्टी होता है, बिना कोई प्रिजर्वेटिव पूरे साल भर टिकता है, टेस्टी ऐसा मुरब्बा। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आम लेने हैं। आम कौन से लेने, मैं वीडियो में आगे बताती हूँ। तो आम मैंने लिए है, आम को 1 से 2 घंटे पानी में रखो, ठंडा पानी में, उसके बाद उसको निकाल दो और छील के रखना है हमें आम को, सारे आम को, उसका ऊपर वाला छिलका जो है ना वो पोटैटो पीलर की सहायता से निकाल दो। उसके बाद आम को हमें कद्दूकस कर लेना है, तो सारे आम को मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। जब मुरब्बा बनाएंगे तो सारे बर्तन जो होने ना वो बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए, एकदम सूखे बर्तन होने चाहिए। अभी इस बर्तन में इसको मैंने डाल दिया है, उसके में साथ में शक्कर डालनी है। अगर आपके 1 किलो आम है, कच्चे आम है, तो आप उसमें 1 किलो और 1 मुट्ठी भर एक्स्ट्रा शक्कर डालनी है। एक्स्ट्रा इसके लिए है क्योंकि शक्कर ही यहाँ शुगर जो है यहाँ पे प्रिजर्वेटिव का काम करती है, तो हमें शक्कर डाल के इसको मिक्स करके रखना है। 1-3 घंटे हम लोग शक्कर डाल के मिक्स करके रखेंगे ताकि आम में से जो पानी कच्चा आम में से वो पूरा बाहर निकल आए। देखो शक्कर धीरे धीरे घुलना शुरू हो गई, लेकिन घुली नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए ढक के रखते हैं। इसके लिए आम कौन से खरीदने हैं, हमेशा राजापुरी आम खरीदो। राजापुरी का मुरब्बा बहुत अच्छा बनता है। आम ज़्यादा खट्टे नहीं होने चाहिए, मीठे भी नहीं होने चाहिए। तोतापुरी बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप तोतापुरी लेना चाहते हो तो उसमें 1-2 खट्टी कैरी का आपका कद्दूकस डालना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फीके होते हैं या मीठे होते हैं, तो उससे एक मुरब्बा टिकता नहीं है। इसके लिए हमेशा ध्यान में रखना, राजापुरी आम लो तो बहुत अच्छा, क्योंकि उसका उससे जो कद्दूकस निकलता है वो भी बहुत ज़्यादा निकलता है, वो ज़्यादा मीठा नहीं है, ज़्यादा खट्टा नहीं है, तो एकदम परफेक्ट मुरब्बा उससे तैयार हो जाता है। तो देखो 1-2 से 3 घंटे बाद बहुत सारी शक्कर घुल गई, अभी भी घुलना बाकी है। उसके बाद मैंने अभी इसको गैस पर रख दिया है, गैस की आँच मीडियम टू हाई रखनी है और इसको बॉईल करना शुरू करना है। अभी देखो कितना पतला लग रहा है, इसकी जो चाशनी है अभी देखो पूरी तरह से शक्कर घुल गई है और एकदम पतली सी चाशनी लग रही है, लग गई ना। तो इसको अभी पकाना है, इसके ऊपर जो झाग आता है ना वो थोड़ी, यानी मुरब्बा पकने के बाद निकाल देना है। उसे क्या होता है, हमारा मुरब्बा पूरे साल भर टिकता है और वो फेंकना नहीं है, उसे आप शरबत बना सकते हो, थोड़ी सी निकलती है। तो देखो इस तरह से हमें उसको पकाना है। पकाते वक्त उसका रंग थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसमें जो आम जो है ना वो पकना शुरू हो जाता है। सेकंडली ये जो चाशनी है ना ये अभी पतली पानी की तरह लग रही है, वो थोड़ी सी गाढ़ी लगती है, पूरी गाढ़ी भी नहीं बनाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनाओगे गर्म होने, तो ठंडा होने के बाद क्या हो जाएगा, वो बहुत जम जाएगा, यानी अच्छे से बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसके लिए चाशनी ऐसी रखनी है कि उसका कलर चेंज होना चाहिए और थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए, वहाँ तक ही पकाना है। इसमें सबसे मुश्किल काम वही है कि आपका मुरब्बा कब पकता है ये आपको समझे। देखो अभी मेरे मुरब्बा काफ़ी गाढ़ा हो गया है और उसके साथ ही उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब 1 से 2 मिनट और पकाती हूँ लो गैस पे और फिर गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ। ऊपर जो झाग आया वो भी निकाल देती हूँ और कुटी हुई इलायची इसमें ऐड कर सकते हो आप, तो उसे टेस्टी बनता है। और ठंडा करने के लिए रखना है, लेकिन उसके ऊपर ढक्कन नहीं, कपड़े से आप उसको ढक रो और फिर ठंडा कर लो। ठंडा करने में भी 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, उसके बाद हमारा मुरब्बा तैयार होता है। ये मेरा पहला दिखा है वो इस साल का था और ये लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर का इसके लिए दिखा रही हूँ कि देखो ये पूरे साल तक ख़राब नहीं होता है, देखो कितना मस्त मुरब्बा तैयार है। तो घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए आम का मुरब्बा।